आपने काफ़ी बार लोगों की हेल्प करने की कोशिश करी होगी और काफ़ी हद तक आप सक्सेस भी हो गए होंगे, लेकिन लास्ट में ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है, होता है ना ऐसा। आए इसे एक स्टोरी से समझते हैं। एक विनय नाम का जिम्मेदार व्यक्ति था जो कि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। अचानक उसकी तबीयत खराब होने के कारण उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। कुछ दिनों बाद दुर्भाग्य से उसकी डेथ हो जाती है। उसके कुछ दिनों बाद विनय की फैमिली को आप जैसा कोई व्यक्ति आकर के बताता है कि विनय का तो पीएफ कटता था, आप उसे क्लेम कर लें और साथ में इंश्योरेंस स्कीम EDLI से भी बेनिफिट ले सकते हैं। विनय की फैमिली पढ़ी लिखी नहीं थी तो इसलिए कुछ नहीं कर पाई, लेकिन आप उसकी हेल्प करना चाहते थे लेकिन आप भी नहीं कर पाए क्योंकि आपको यह नहीं पता था कि क्लेम के लिए कौन सा फॉर्म फिल करना है और उसके साथ में कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कहाँ पर सबमिट करेंगे और कितना अमाउंट मिलेगा। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा डेथ के बाद आप EPS, EPF एंड EDLI से क्लेम कैसे कर सकते हैं और कौन सा फॉर्म फिल करना है, कहाँ पर सबमिट करना है, जिससे उस फैमिली को उसका हक मिल सके। एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस योजना EDLI EPF की इंश्योरेंस योजना है जो कि एम्प्लॉय की डेथ के बाद दी जाती है। एम्प्लॉय की डेथ होने पर उसकी फैमिली को 7 लाख रुपए तक का लाभ मिलता है। PF की EDLI स्कीम से एक मुश्त ये अमाउंट निकाला जा सकता है। आए जानते हैं EDLI योजना क्या है। EDLI योजना 1976 में शुरू की गई थी। इस योजना के पीछे EPFO का मुख्य उद्देश्य यह था कि एम्प्लॉय की डेथ के बाद उसके परिवार को आर्थिक रूप से सहायता मिले। EDLI के तहत मिलने वाले इंश्योरेंस अमाउंट पिछले 12 महीने की सैलरी पर डिपेंड करता है। एक EPFO मेंबर तब तक ही EDLI में कवर रहता है जब तक वह EPFO का एक्टिव मेंबर है। नौकरी छोड़ने के बाद उसके परिवार नॉमिनी उसका क्लेम नहीं कर सकते। EDLI का बेनिफिट उठाने के लिए कोई भी मिनिमम टाइम नहीं है। कंपनी को EDLI के लिए कंट्रीब्यूशन देना होता है और एम्प्लॉय के वेतन से कुछ भी नहीं काटा जाता। यदि कंपनी धारा 17(2)A के तहत कर्मचारियों के लिए उच्च भुगतान जीवन बीमा योजना लेती है तो वह इस योजना के बाहर निकाले जा सकते हैं। आए जानते हैं EDLI की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। EDLI के तहत मिलने वाला हेल्थ इंश्योरेंस अमाउंट लास्ट 12th मंथ की सैलरी पर डिपेंड करता है जो कि 35 गुना होता है। एक एम्प्लॉय की मैक्सिमम अमाउंट सैलरी 15,000 रखी गई है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे। 15,000 इंटू 35 इसकल टू 5,25,000 होती है। इस योजना के तहत क्लेम करने वाले व्यक्ति को 1,75,000 रुपये तक का बोनस अमाउंट मिलता है। इस प्रकार लाभार्थी को 7 लाख रुपये तक का बेनिफिट मिलता है। आए जानते हैं EDLI के लिए कौन सा फॉर्म फिल करना होता है। EDLI के लिए डेथ के बाद उसकी फैमिली को फॉर्म 5IF भरना होता है। क्लेम करने वाले हर व्यक्ति को यह फॉर्म भरना होता है। अगर क्लेम करने वाला व्यक्ति नाबालिग है तो उसके अभिभावक को फॉर्म भरना होता है। अगर एक से ज़्यादा नाबालिग व्यक्ति हैं तो उसके अभिभावक को ही फॉर्म भरना पड़ता है। यह फॉर्म ऑफलाइन भरा जाता है और साथ में एम्प्लॉय का डेथ सर्टिफिकेट भी फॉर्म 5IF के साथ में आपके जोन के PF ऑफिस में जमा किया जाता है। क्लेम का निपटारा 30 दिनों के अंदर किया जाता है। अगर EPFO आयुक्त 30 दिनों के अंदर क्लेम का निपटारा नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्लेम की तारीख से लेकर सालाना 12% का ब्याज देना होता है। एक ही बार में 3 योजनाएं EPF, EPS और EDLI के लाभ के लिए फॉर्म 5IF के साथ में फॉर्म 20, फॉर्म 10C, फॉर्म 10D भरा जाता है। अब आप इस वीडियो के कंक्लूजन पर आ चुके हैं जिसमें आपने जाना EPF से EDLI का क्या कनेक्शन है, EDLI क्या है, EDLI को कैसे क्लेम करते हैं, कौन सा फॉर्म फिल करना होता है। तो आपने ये भी जाना कि सेटलमेंट 30 दिनों के अंदर किया जाता है। अगर EPFO आयुक्त 30 दिनों के अंदर क्लेम का निपटारा नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें सेटलमेंट की तारीख तक सालाना 12% का ब्याज देना होता है। और आपने ये भी जाना कि एक ही बार में 3 योजना EPF, EPS और EDLI के लाभ के लिए फॉर्म 5IF के साथ में फॉर्म 20, फॉर्म 10C,
फॉर्म 10D को भरा जा सकता है। बहुत कम लोग होते हैं जो कि नॉलेज के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप लोग कहीं और भी तो अपना टाइम वेस्ट कर सकते थे। एनीवे, आज मैं आपको ये नहीं बोलूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ना ये बोलूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें, पर आपको इतना ज़रूर बोलूँगा, अगर आप दिल से किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि हर ज़रूरतमंद को जिसे इसकी ज़रूरत है उस तक ये वीडियो पहुँच सके। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय नॉलेज पर इन्वेस्ट करने के लिए। जय हिंद।